अर्चलेसिस बड़ी करारी गरियाबंद जिले से, जहां पर गरियाबंद पुलिस को एक बार फिर से बड़ी सफलता मिली है। गरियाबंद पुलिस ने हीरे के मामले में जिले की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई सामने आ रही है। 221 नग हीरा पकड़ने में गरियाबंद पुलिस कामयाब हुई है, साथ ही साथ एक हीरा तस्कर को भी धर दबोचा है। ये पूरा मामला गरियाबंद जिले का है, जहां पर छुरा क्षेत्र के ग्राहक की तलाश में घूम रहा था तस्कर। ये बड़ी खबर बता रहे हम आपको, अनुमानित कीमत 22 लाख के पार बताया जा रहा है। ये बड़ी खबर बता रहे हम आपको, गरियाबंद पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। लगातार हीरे तस्कर सक्रिय होकर हीरा तस्करी करने के फिराक में थे, जिस पर गरियाबंद पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आ रही है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हमारे सहयोगी, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, बीती रात की घटना है ये। बीती रात एक व्यक्ति बुजुर्ग है, प्रधान नामक जो किथौड़ा का रहने वाला है, 221 रंग हीरो के साथ में खरीदार की तलाश में घूम रहा था, जिस पर स्पेशल जो टीम है, जो गरियाबंद जिले की जो टीम है, वो उस पर निगाह रखी हुई थी। मुखबिर से सूचना उनको प्राप्त हो गई थी और इन्हें एक धर दबोचा गया है। धर दबोचने के बाद में जब इनकी तलाशी ली गई है, तो इन्होंने अपने बयान में बतलाया है कि ये पहली खान हीरा खदान का हीरा है, जो थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके वो ला रहा था और अब बेचने के फिराक में था। इस हीरे की कुल कीमत आज पुलिस विभाग ने आज प्रेस ब्रीफिंग ली है, उसमें 22,10,000 रुपए की बात कही है पुलिस ने। वहीं दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है, ये एक साल के अंतर्गत 575 हीरे गरियाबंद के पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल के नेतृत्व में गिरफ्तार जब्त किया गया है। वहीं 5 से 7 लोगों को इसमें गिरफ्तारी भी हुई है। इस तरह कुल 75 लाख रुपए के हीरे बहुत कम समय, मात्र एक साल में जब्त किए गए हैं, जो कि एक बड़ी पहल कही जा सकती, बड़ी घटना कही जा सकती। मैं आपको यहां बता देना और जरूरी समझता हूं कि गरियाबंद जिले में पहली खान और बेजरा दो हीरे ऐसे खदान है जहां भरपूर हीरे हैं और समय बेसमय इसका दोहन लगातार होता रहता है, लेकिन प्रशासन इस पर कहीं ध्यान नहीं दे रही है, ना ही प्रशासन इसके रोकथाम का प्रयास कर पा रही है और ना ही इसके खनिज के उत्खनन का कोई समुचित प्रयास कर पा रही है। होना यह चाहिए था, छत्तीसगढ़ का यह बहुत बहुमूल्य खदान है, अगर एक बार यहां से हीरा निकलना अगर प्रारंभ हो जाए तो प्रदेश और देश की स्थिति सुधर सकती है, लेकिन इसमें जरूरत है इस ओर ध्यान देने की। और लोग ऐसी उम्मीद करते हैं कि भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के प्रमुख मतलब नेता माने जाते हैं, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री हैं, इसलिए इस विषय पर पहल करेंगे और इसका खनन की कार्यवाही प्रारंभ जल्द से जल्द करवाएंगे। लेकिन ये जो हीरा तस्कर है, उसको कैसे धर दबोचा, कैसे ये बड़ी कार्रवाई सामने आई है, कैसे जानकारी मिला था? देखिए, हीरा तस्कर जो है छुरा क्षेत्र में वो सघन तलाशी कर रहा था, इसी दौरान में पता चला कि कुछ पुलिस के जो स्क्वाड है उनको पता चला कि यहाँ पर जो कोई हीरा तलाशने के बेचने के फिराक में घूम रहा है, इसी दौरान उन्होंने उसको धर दबोचा और धर दबोचने के बाद में जब उसकी तलाशी ले गई तो कुल 221 नग हीरे मिले हैं। वैसे भी इस क्षेत्र में समय बेसमय में हीरे जो है अवैध उत्खनन होते रहते हैं और इसे पकड़ने की कार्रवाई पुलिस लगातार करती रहती है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हर कोई पकड़ा जाता है, बहुत से लोग इसमें बच के निकल भी जाते हैं। अब जरूरत है तो छत्तीसगढ़ की आर्थिक स्थिति को देखते हुए अब जरूरी हो गया यहाँ का अवैध खनन को रोका जाए और नियमानुसार शासकीय तौर पर खनन हो, जिससे राजस्व की आय छत्तीसगढ़ की बढ़ सके। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सीधे आपको सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे इस पूरे मामले पर गरियाबंद जिला पुलिस अधीक्षक। सफलता मिली, कल हम लोगों ने 221 नग हीरे सीज किए हैं। अभी तक हमारे गरियाबंद पुलिस में जब से हम लोगों ने डायमंड के क्षेत्र में कार्रवाई किया है, तो अभी तक की सबसे बड़ी का कार्रवाई है कि एक साथ हम लोगों ने टोटल 221 नग हीरे जब्त किए हैं और पिछले इस मतलब लगभग एक साल के भीतर में अभी तक हम लोगों ने 573 नग हीरे जब्त कर लिए हैं। 221 नग हीरे की कीमत करीबन 22,10,000 रुपये है और 573 नग हीरे जो अभी तक जब्त हो चुके हैं, अगर हम देखें तो 74,60,000 के आसपास उसकी कीमत है। कल हमारी थाना प्रभारी जो चुरा थाना प्रभारी हैं ससंतोष, उनको सूचना मिली थी कि एक आदमी जो है हीरे को बेचने की फिराक में था, तो फिर हम लोगों ने एक टीम बनाया और टीम ने जो कोमा खान रोड है उस क्षेत्र में गए और वहां पर जाकर घेराबंदी किया और आरोपी जिसका नाम है अरविंद प्रधान, ये महासमुंद क्षेत्र की पिथौरा क्षेत्र का है, घेराबंदी कर उसको हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया। बाद में हम लोगों ने उसके बाद चेक किया तो हम लोगों को जो आपके सामने रखे हैं 221 नग हीरे हम लोगों को मिले और उसके साथ एक सैमसंग का मोबाइल मिला और साथ में एक बाइक मिला जिसको हम लोगों ने जब्त कर लिया है। आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद हम लोगों ने माइनिंग एक्ट और 379 एक्ट के तहत अपराध उसको FIR किया है और आगे जो वैधानिक कार्रवाई उसको हम लोग कर रहे हैं। कहाँ से लाने की बात बताया सर? इससे हम लोगों ने जब इससे बातचीत किया, बाकी हम लोगों ने कड़ाई से पूछताछ किया, तो इसने बताया कि हमारे जुगाड़ क्षेत्र में पायली खंड का जो हीरा है वहाँ से इसने कलेक्ट करने की बात कही। इसने बात कहा कि एक साथ नहीं, धीरे धीरे एक एक करके इसने
जो इसको कलेक्ट किया था। तो इसके कथनानुसार ये साबित होता है कि हमारे ही जिले के पायली खंड का ये हीरा है।